Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and decision Making. This is module number 141, and we are going to talk about that how can we reframe negative thoughts. Being a human being, Yadra different positive thinking or negative thinking could trigger sakte And we have to be careful. कि हम किसी भी पैटर्न के अंदर जाने से पहले यह समझ लें कि हमारा वो एहसास हमें कैसे गाइड कर रहा है इस परस्पेक्टिव में जब हम नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं तो देर आर सर्टन अंडरस्टैंड जब हम रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज दैट हमें अपने एक्सपीरियंस को देखना है बिकॉज हमारा वो मुशाह हमारा वो इनकाउंटर जिस भी सिचुएशन में है दैट सिचुएशन इज गोइंग टू कैरी सर्टन विद विदर्स उसके बाद हमें लेट गो ऑफ करना पड़ेगा difficult feelings को जो उस experience के साथ हैं उस मकसद के लिए याद रखिएगा कि फोकस ऑन अदर परसन इंटेंशन जिसके साथ आपका ताल्लुक है आपका मामला है वो अपने इरादे वो क्या कैरी करता है

रियलाइज so और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि task, means, आप प्रायोरिटीज़ किसी के लिए ठीक तय नहीं कर सके आपकी तरजीहात वो तरजीहत डिफाइंड नहीं थी तो क्या होगा इसका नतीजा ये निकलेगा कि योर फ्रस्ट्रेशन में डिसिपेट सो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि हम किसी भी परस्पेक्टिव में जब किसी को कोई टास्क साइन करते हैं किसी के बारे में कोई मामला सोचते हैं हम केयरफुल रहें कि के वो कौन सी चीजें हैं वो कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं वो कौन सी शहादतें हैं जो हमें पर्टिकुलर इमोशन की तरफ लीड वो कर रही हैं थिंग इज जब हम नेगेटिव के बारे में केयरफुल होते हैं कि क्वेश्चन योर एजम्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू क्वेश्चन योर एजम्पन आप अपने ही मफरूजात को क्वेश्चन करो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो इफ यू फाइंड योर बिलीफ अब आपके अगेन सिचुएशन हम कर रहे हैं, mistaken, so, अब वो जो शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज आप अपने ही एजम्सन को क्वेश्चन करने की काबिलियत वो रखते हो लाइकवाइज योर गोल इन रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस असाइन कर रहे हो और उसका इफेक्ट और इंपैक्ट आपके ऊपर क्या होगा विदाउट जजिंग और ब्लेमिंग द अदर पर्सन सो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप यह जान सकें आपने अपने जज्बात के बारे में उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में वो क्या प्लानिंग की है क्या सोचा है और किस तरह से आपके जज्बात आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट वो कर रहे हैं सो वी आर देयर टू तो याद रखिएगा कि अभी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अंदर देखा कि आपका फैसला किसी चीज के बारे में और उसके बैकेंड के ऊपर फैक्ट्स और जज्बात ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बाजुकात कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं बाजुकात सुपर इम्पोज हो रही हैं और बाजुकात नेगेटिव आपके लिए कॉनोटेशन और नेगेटिव परस्पेक्टिव भी क्रिएट कर रही हैं एट द सेम टाइम समटाइम्स हो सकता है कि आपके जज्बात कंट्रोल्ड मायनों में आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी डेवलप वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो कोई भी फैसला करने से पहले ये देख लीजिएगा कि आप वो फैसला क्यों कर रहे हैं यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ एंड यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन योर इन ए मैनर कि आप अपने आप को कोई ब्लेम गेम में लेकर नहीं जा रहे हो बल्कि आप सिर्फ यह देखना चाह रहे हो कि कहीं आपका जज्बाती फैसला रैशनैलिटी के बर्खिलाफ तो नहीं हो रहा